तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आ चुके हैं भाई बहुत ही फैमिलियर प्लेस रोहिणी में। तो भाई जिसने ये वैन देख रखी होगी भाई उसको तो पता ही था, क्योंकि पहले वैन की जगह कुछ और था। ठीक है, पहले वैन की जगह जीप लगती थी। तो जी हाँ दोस्तों, रोहिणी सेक्टर 8 में हम आ चुके हैं सरदार जी जीप वाले के पास। भी काफ़ी लोग कहते हैं इनका खाना अच्छा नहीं होता, ओवर हाइप्ड है, महंगा है, लेकिन क्या क्वालिटी मिल रही है, क्यों है इतना महंगा, तो भाई वही सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, सरदार जी से बात करवाते हैं, फिर आपको टेस्ट भी बताएंगे भाई यहाँ का हम। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस भैया एकदम बढ़िया। भैया काम वाम कैसे चल रहा है? ठीक है सर, सब ठीक है। अच्छा, तो कोई ऐसा डे तो नहीं है ना जिस दिन आप नहीं आते? सर संडे क्लोज होता है। तो संडे क्लोज होता है आपका? तो अपनी ये लोकेशन क्या पड़ेगी भैया? पेट्रोल पंप है नियर हनुमान मंदिर पार्क। अच्छा, नियर हनुमान मंदिर पार्क। और टाइमिंग्स क्या रहती होंगी अपनी? 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। वैसे आपकी जो गूगल पे लोकेशन है सरदार जी जीप वाले, वो यही की यही वाली डली हुई है ना? ठीक है, तो सर आज क्या क्या खाना है होगा खाने के लिए दिखाने? एक बार राजमा राइस है, कड़ी राइस है, चाप राइस है, पनीर राइस है। अच्छा, ये देखिए सर पालक पनीर। ये भाई अपना पालक पनीर, देखिए पनीर के पीस भाई कितने बढ़िया लग रहे हैं सर। फ्राइड है ये पनीर के पीस अपने? मैं फ्राइड यूज करता हूं। अच्छा, आप इसमें पनीर के पीस फ्राइड यूज होते हैं अपने? क्या बात है। ये भाई अपनी सोया आपकी बहुत फेमस है भैया। तो फिर ये स्टिक वाली होती है कौन सी? अच्छा, सबकी स्टिक निकली हुई है। और ये दूसरी आ गई अपनी, ये कड़ी पकौड़ा। भैया पकौड़े किस चीज़ के बना रहे हो अभी? पालक और प्याज के। पालक और प्याज के अपने पकौड़े बन रहे हैं। तो भाई बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। और ये सर राजमा। और ये अभी राजमा देख लो भाई, कितने गाढ़े गाढ़े राजमा भाई, बहुत बेहतरीन। अगर अच्छा ये ठंडे ठंडे ना हो उसके लिए सिस्टम भी करा हुआ है, चार चार गैस लगी। और ये अपने दिखाना सर राइस, दिखाना सर राइस में कलर किस चीज़ का है भैया? कलर नहीं आता सर, राइस ही क्या है, गोल्डन सेला। अच्छा, गोल्डन सेला ही राइस है ये। अच्छा ओके ओके ओके, कलर हम नहीं डालते। अच्छा नहीं, कलर है मतलब इन द सेंस की जैसे होते हैं ना, कोई तड़का वगैरह लग जाए तो उस चीज के बेस पे तड़का भी लगता है। तड़का लगता है इसमें? अच्छा, गोल्डन चेला ही होते हैं अपने। तो ये हाफ और फुल प्लेट के सर प्राइसिंग क्या रहती होगी अपनी? अच्छा अच्छा, पर प्लेट सिस्टम है। कितने रुपए की होगी फुल अपनी फिर? सर राजमा राइस और कड़ी राइस जो है वो 50 रुपीस का है। अगर आप पनीर ऐड कराओगे तो 70 का हो जाएगा। और क्या नाम है आपका, चाप राइस है वो 80 रुपीज का है, पनीर राइस जो है वो 100 रुपीज का है। वो 100 रुपीज का था। उसके अलावा हमारे पास दो थालियाँ होती है। ठीक है, एक क्या नाम है तवा रोटी वाली होती है और एक तवा पराठे वाली होती है, उनका प्राइस है 130 एंड 140। और उसमें रोटियाँ कितनी रहती होंगी? तवा रोटी, चावल, 3 सब्जी, प्याज, चटनी, पापड़। अच्छा, 3 सब्जी है। 130 वाली में भी, 150 वाली में भी, सेम रहती है, सिर्फ रोटी और परांठे का डिफरेंस है। अच्छा, रोटी और परांठे का डिफरेंस हो जाता है। तो परांठे आप वो स्टफ वाले होते हैं, सिंपल परांठे होते हैं? देसी घी का अपना प्लेन परांठा होता है। तो सर एक बार परांठे दिखा सकते हैं यहाँ पर? अच्छा आ रहे हैं परांठे, तो चलो भाई फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों परांठे तो आने में भाई लग गया था टाइम, तो हमने सोचा भाई इतना अपने यार एक चावल की प्लेट लगवा लेते हैं। तो यहाँ पर रायता भी मिलता है, किसी को रायता लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। तो 100 रुपये वाले पालक पनीर के हम चावल लगवा रहे हैं। तो ये आ गए भाई अपने गोल्डन चीला चावल। क्वांटिटी तो यार सही लग रही है मेरे को, देखो क्वांटिटी तो क्वाइट इंप्रेसिव, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पनीर डल रहा है ना, मैंने आपको बताया भी था भाई फ्राइड पनीर यूज़ होता है, जहाँ पर फ्राइड पनीर यूज़ होएगा वहाँ पर भाई प्राइसिंग देखो दोस्तों ज़्यादा रहती है। और तड़का वगैरह बढ़िया लगा हुआ है पालक पनीर के, भाई पनीर के आपको इसमें 4 पीस मिलते हैं दोस्तों। तो 100 रुपये वर्थ भाई टेस्ट आ जाए ना, तो भाई हम 80-100 में डिफरेंस करेंगे ही नहीं। और ये साथ में भाई आपको चटनी मिल जाती है। और ये आगे प्याज, अगर आपको पापड़ी चाहिए भाई वो 10 रुपये की आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पापड़ी मिलेगी। ठीक है, तो हमने पापड़ी नहीं ली। तो चलिए दोस्तों अब आपको टेस्ट करके बताते हैं भाई कैसा आएगा। तो भाई ये देखो, ये है अपने पालक पनीर चावल। और पनीर देखेंगे तो कहीं जगह किसी भी जगह आपको ना पनीर ऐसे फ्राइड करे हुए नहीं मिलेंगे, इसलिए भाई रेट भी उसी हिसाब से है। तो फिर आप कहोगे कि भाई 60 में मिल जाते हैं, 50 में मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको फ्राइड नहीं मिलेंगे। आप पीसेस देख लो, एक तो पीसेस कितने बड़े बड़े हैं भाई, आप ये भी चेक करना है देखो। ठीक है जी, चलिए भैया टेस्ट करके देखते हैं। और भाई बहुत सुगंध तो यार बहुत बढ़िया आ रही है, ठंड भी है और गर्मा गर्म, तो मज़ा आ जाएगा खाने में भाई। एकदम खड़े मसालों का ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है दोस्तों इसमें भाई, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टेस्ट है यार, मज़ा आ गया। अब ना पनीर दिखाता हूँ आपको खा के, फ्राइड लग रहे हैं ना देखो। चलिए यार पनीर भी दोस्तों एकदम बड़ा सॉफ्ट पनीर है, और टेस्ट भाई अलग से आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि बासी पनीर हो या बासी चावल हो भाई। यहाँ पर सरदार जी जी वाले कभी भी आप डिसअपॉइंट होकर नहीं जा सकते। और ये देख लो भाई यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो चुकी है,
और जो नाम है भाई वो नाम वही है सरदार जी जीप वाले, लेकिन अब इको लग रही है भाई, ब्लॉगर्स भी बहुत आए हुए। ठीक है चलिए भाई, एक बार आके भाई ये ना पालक पनीर चावल ट्राई करके जरूर देखना।